जय हिंद साथियों। साथियों अभी जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोफोन है जो कि मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के काम में आता है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए यह माइक ज़रूरी होता है। तो साथियों अभी मैं बिना माइक का वीडियो शूट करके आपको दिखलाता हूँ। और साथियों इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा कि यह माइक कितने रुपया का आया है और इसमें कितने पीस माइक है, सारा कोई डिटेल जानकारी दूंगा। लेकिन साथियों उससे पहले आप जान लीजिए कि इसको हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगवाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट है। और साथियों ये हमको कितने रुपये का आया है सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि एक पीस का है। और ये डब्बा था साथियों जिसको हमने इसमें से निकाले हुए हैं। और साथियों इसका क्या क्वालिटी है सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों बॉक्स को ओपन करते हैं और हम दिखलाते हैं कि इसमें कैसा माइक है। तो साथियों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने बॉक्स को ओपन कर चुके हैं और आप देखिए इसमें मैंने सिंगल माइक ऑर्डर किया था लेकिन मेरे पास ये दो माइक आ गया और एक ही रिसीवर से दो माइक अटैच होता है। और साथियों मैं जो पहले एक माइक ख़रीदा था वह भी मैं आपको दिखलाता हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो साथियों ये मेरा पहले वाला माइक है जिसमें कि सिंगल माइक आया हुआ था और आप देख सकते हैं कि वह भी इस प्रकार का था। इसका विंडो हो गया तो इस वजह से हमने एक रूई का विंडो बना करके लगाए हुए हैं। और ये भी दोस्तों वर्किंग कंडीशन में है, इससे हमने दोस्तों एक साल तकरीबन यूज कर चुके हैं और अभी भी इसका सर्विस अच्छा ही है। आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट जल रहा है, काम करता है। तो चलिए साथियों इसको अभी हम फिलहाल ऑफ कर दे रहे हैं। यहाँ से आप बटन को दबाइएगा तो ये ऑफ हो जाता है और बेहतर रिस्पांस इस माइक से भी हमको मिला है। और आप यहाँ पे देखिए इसका ये है पहले वाला और इसमें देखिए पहले का फीचर कुछ अलग था। और दोस्तों ये पहले हमने 900 कुछ रुपया में ख़रीदे थे। और साथियों ये टाइप सी का पोर्ट सब में आता है, यानी कि टाइप सी पिन ही आपको मिलेगा। अगर आप इसमें माइक्रो पिन यूज कीजिएगा तो उसके लिए एक OTG आता है, अभी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे जिस OTG के ज़रिए हम कनेक्ट करके इस माइक्रोफोन को चलाते हैं। तो ये मेरा पहले वाला है। तो साथियों अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो माइक्रोफोन है। तो ये दोस्तों हमने उस समय में शायद 900 कुछ रुपया में ख़रीदे थे, उसे कंफर्म अभी नहीं है क्योंकि एक साल हो चुका है। तो ये माइक भी दोस्तों मेरा अभी वर्किंग पोजिशन में है, लेकिन मैं अब ये दो माइक मंगाया हूँ। लेकिन साथियों इसमें दिक्कत क्या होता है कि इस वाले रिसीवर से ये वाले माइक ही कनेक्ट होता है। और इसका जो ये रिसीवर आप देख रहे हैं साथियों, मैं ज़रा इसको सभी को निकाल देता हूँ, आप देखते रहिए। चलिए साथियों इसको हम निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये दो माइक है और ये सभी माइक वर्किंग पोजिशन में है, अच्छा है। क्योंकि साथियों इसको हम अभी तक यूज नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी लाइट ब्लिंक करेगा क्योंकि ये चार्ज है। देख लीजिए जब ये पूरे ग्रीन हो जाता है तो जाकर के ये माइक काम करता है। तो अभी इसको हम ऑफ कर दे रहे हैं, देख लीजिए ये ऑफ हो चुका है। तो चलिए इस सभी को हम एक एक करके इसके अंदर रखते हैं। देखिए साथियों इसको हम इस डब्बे में दे देते हैं जहाँ से इसको निकाले थे। अब साथियों ये जो है अब क्या है इसके विषय में भी बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसको भी अंदर रखते हैं। अब दोस्तों इसका रिसीवर की मैं बात करता हूँ, इसमें देखिए चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि आप इसको मोबाइल में लगा करके चार्ज भी कर सकते हैं टाइप सी के मदद से। और देखिए इधर से इसका एक LED वाले पॉइंट होता है, ये ब्लिंक कर मतलब जलता है तो पता लग जाता है। तो इसका इतना तक खासियत हुआ साथियों। अब मान के चलिए कि इस माइक को हमको माइक्रो USB वाले मोबाइल में चलाना हो तो हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए साथियों ये आता है, आप देख सकते हैं एक OTG आता है, ये अच्छी क्वालिटी का मेटल में है। ये हम साथियों 200 कुछ रुपया में परचेज किए हुए हैं, ये आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा। आप दोस्तों इसको इसमें अटैच करके आप चला सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से अटैच करना है, क्योंकि अगर आपके पास टाइप सी मोबाइल ना हो तो। तो देखिए दोस्तों इस माइक्रोफोन को अपने मोबाइल में यूज करने के लिए आपके पास
या आपके मोबाइल में O2G होना चाहिए, O2G से ये कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको मान के चलिए कि डायरेक्ट आप मोबाइल के कैमरे से, जो मोबाइल में कैमरा वाले फंक्शन मिलता है उससे आप यूज कीजिएगा, तो साथियों ये आपका नहीं वर्किंग कर पाएगा। आपको इसके लिए मोबाइल में ओपन कैमरा ऐप्स डाउनलोड करना होगा और आपको सेटिंग में जा करके, अगर आप लोग ओपन कैमरा ऐप चलाते हैं तो आप लोग ओपन कैमरा ऐप्स के सेटिंग में जाइए और वहां पे इंटरनल माइक का ऑप्शन आता है, आप वहां सेलेक्ट करके इसका यूज कर सकते हैं और एक बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज के बाद दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगा इस वीडियो के बाद, तो दोस्तों उसमें इस दोनों माइक से रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाया जाएगा, यानी कि हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी वीडियो बनाएंगे। वैसे साथियों अगर आपको पिछले कई वीडियो में देखना हो तो इस माइक से जो हम रिकॉर्डिंग किए थे यानी कि वीडियो शूट किए थे, तो वो भी आपको सुनने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों बिना हम माइक्रोफोन का ऑडियो यूज करके रिकॉर्डिंग करके आपको सुना रहा हूँ, इसमें कोई माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो में थोड़ी सी झलक और देख लेते हैं। अब मैं एक मैक को इसके ज़रिए कनेक्ट करके भी दिखलाता हूँ। माइक को देखिए, इसमें ग्रीन बत्ती लगाता हूँ। अब साथियों इसके अंदर पुनः मुझे एक बार इसी बार खोल के लगाना होगा, क्योंकि ये जब तक ब्लिंक कर रहा है तो नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों ये ब्लिंक करना बंद कर चुका है और ये कनेक्ट है, तो चलिए मैं इसको अपने कॉलर में लगा लेता हूँ। अभी जो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा साथियों, ये इसी माइक के जरिए आपको आवाज़ सुनने को मिल रहा है। अब चलिए मेरे पास जो नेक्स्ट दूसरा माइक है उसको भी हम निकालते हैं और देखते हैं, एक तो हम कनेक्ट कर चुके हैं और दूसरा मेरा कनेक्ट हो पाता है या नहीं यह भी हम देखते हैं। तो चलिए साथियों इसको भी हमने ऑन किया हूँ और देखिए ये भी कनेक्ट हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट है, आपको दिखने के लिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। आप दोस्तों तीसरा जो ये माइक है मेरा इस रिसीवर का, तो इससे हम कनेक्ट करके देखते हैं होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये दोस्तों ब्लिंक हो रहा है। एक साथ मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ। तो यहाँ साथियों होता क्या है कि आपका जो रिसीवर होगा उसी कंपनी का आपका माइक भी होना चाहिए। तो साथियों कंपनी तो दोनों में एक ही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी के एट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फर्क दोस्तों ये है कि K9 लिखा हुआ है। तो ये पहले वाला जो मेरा है दोस्तों ये K8 का है, इसलिए साथियों ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम रखते हैं साइड में पहले वाले में। और साथियों अभी जो आप देख रहे हैं तो ये K9 है, तो इसी के माध्यम से आपको ये आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो साथियों वीडियो में आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि ये आवाज़ कैसा लग रहा है। अगर साथियों आवाज़ का कुछ क्वालिटी हो, अगर आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा और बोलिएगा। तो साथियों K9 और K8 में बहुत सारा का फर्क होता है, तो इसलिए साथियों ज़्यादा कुछ नहीं आपको हमने इस वीडियो में सारा प्रोसेस दिखा चुका हूं, लेकिन एक प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाया, तो चलिए वो भी मैं दिखा देता हूं। यहां से दोस्तों ये माइक चार्ज होता है, इसके लिए इसमें ये चार्जर का पिन दिया हुआ है, आप टाइप सी चार्जर का पिन है, आप किसी भी मोबाइल चार्जर में लगा करके इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये साथियों 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और लगभग 4 से 5 घंटा अच्छा बैकअप देता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आप लोग जरूर इसमें देखे होंगे, क्योंकि साथियों हमने इस माइक को यूज किया हूं पहले और फिर जाकर के साथियों मैं दूसरा माइक मंगाया हूं, तो जाकर के वीडियो आप लोगों के सामने शेयर किया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही माइक मंगाया और आज ही वीडियो शूट करके आपको दिखा दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह से साथियों मैंने कई प्रकार का माइक मंगाया हूँ, जैसे कि वायरलेस भी माइक मैंने काफ़ी सारा मंगाया था जिसमें वायर लगा हुआ रहता है, वह भी मंगाया था।
और ब्लूटूथ वगैरह वाला भी मंगाए, लेकिन साथियों इस माइक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इसलिए मैंने इसका दूसरा वर्जन K9 मंगाया। लेकिन साथियों हमने सिंगल माइक ही मंगाए थे, लेकिन इसमें ड्यूअल माइक आ गया। और अब चलिए इसका प्राइस बताते हैं, ये 450 रुपया में हमको ड्यूअल माइक मिल गया। तो ये फ्लिपकार्ट का जो भी समझिए, मतलब मिस समझिए या जैसे भी मेरा किस्मत समझिए, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है साथियों अगर आप लोग इस प्रकार की माइक खरीदेंगे तो आप लोग जरूर फ्लिपकार्ट पे ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आप लोगों को आ जाएगा। तो चलिए साथियों मेरे पास एक लड़का आ चुका है, मैं उसको ये माइक दे करके थोड़ा बाहर तक भेजता हूँ और उसका आवाज आपको सुनाता हूँ कि आता है कि नहीं। आ जाओ, चलो ये माइक पकड़ो और बाहर जा करके बोलना हेलो हेलो। चलो वहां तक जाओ, काफी दूरी तक जाती तक जाओ। अभी आप देख सकते हैं कि साथियों ये काफी दूरी। हेलो हेलो, आप कुछ कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो, और जाओ सड़क के उस पार जाओ, जाफी के पास जाओ। तो देखिए साथियों अभी मैंने उसको हेलो, बहुत अच्छा है अमित जी। और जाओ पीछे जाओ, और जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने उसको लगभग काफी दूरी में भेज चुके हैं, यहाँ से लगभग 40 फीट के दूरी में ही बने रहे और वहाँ पे बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है अब आ जाइए, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ जाइए, बढ़िया आवाज जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमने आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर साथियों आप लोग इस प्रकार की माइक खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। आप देखिए साथियों मेरे पास ये माइक रिटर्निंग आ चुका है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।